विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ की शेष व्याख्या पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में भी मैंने आपको भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ की व्याख्या आपको पढ़ाई थी, और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये निबंध भी हमें लिखा गया है और इसके लेखक कौन है, भारतीय हरिश्चंद्र है। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लीजिए और उसके अंतर्गत गद्य खंड में संकलित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है ये पाठ निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, मैंने पूर्व के वीडियो में आपको यहां तक गद्यांश पढ़ाया था, किंतु धर्म शास्त्र में जिनका विधान है उनको चलाइए जैसे जहाज का सफर विमान का आगे। आगे देखिए बच्चों, लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके, लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयुष्य सब मत घटाए। भारतेंदु जी का मानना था कि बच्चों का बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह करने से उनके अंदर उनका बल, उनका धैर्य और उनकी आयु जो होती है वो प्रभावित होती है। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। नून का मतलब होता है जो नमक, नमक, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काठ में डालना मतलब तब उनका क्या करेंगे, विवाह करेंगे। बाल्यावस्था में, बालपन में बच्चे अवगुण होते हैं, परिणाम स्वरूप यदि उस समय उनका बाल विवाह कर दिया जाता है तो वह अनेक तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए बाल विवाह जो है वो नहीं करना चाहिए, भारतीय लोगों का ऐसा मानना है। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। अब कौन कौन सी प्रथाएं भारतीय ऋषि बता रहे हैं, कुलीन विवाह। कुलीन विवाह क्या होता है, कुलीन प्रथा क्या होती थी कि विवाह के उपरांत, विवाह करते समय जो कन्या पक्ष है वो हमेशा अपने से श्रेष्ठ वर पक्ष में ही कन्या का करता था, विवाह करता था। और बहु विवाह उस समय पर अनेक विवाह प्रचलित थे, एक पुरुष कई कई स्त्रियों से क्या करते थे, विवाह करते थे। तो भारतेंदु जी इन जो ये प्रथाएं थी, ये जो बहु विवाह था, इनको क्या करना चाहते थे, दूर करना चाहते थे। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समाज सुधारक रूप इस निबंध में क्या हुआ है, दिखाई दिया है। लड़कियों को भी पढ़ाई, अब देखिए यहाँ समानता के पक्षधर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनका मानना था कि लड़कों के समान लड़कियों को भी क्या करना चाहिए, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करानी चाहिए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज भी शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर क्या करें, छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलते, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य है वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जीवन तोड़िए, सब लोग आपस में मिले। बच्चों, इस गद्यांश में भारतेंदु जी जो है कुली प्रथा, बहु विवाह तो दूर करने की बात करते ही हैं, साथ ही सबके साथ समानता का व्यवहार करने की बात भी कह रहे हैं कि हमें जाति पात के बंधनों को तोड़ते हुए सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबको बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। आगे देखिए बच्चों, अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। तालीम का मतलब क्या होता है, शिक्षा। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखाओ। देखिए भारतेंदु जी इस चीज के भी पक्षधर थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो रोजगार परक होनी चाहिए,
ताकि पढ़ लिख कर व्यक्ति बेरोजगार न हो बल्कि रोजगार प्राप्त कर वह स्वयं भी रोजगार पाए और अन्य को भी रोजगार उपलब्ध कराए। विलायत में जो छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिला, बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े तुम्हारा रुपया, तुम्हारे ही देश में रहे वह करो। अर्थात भारतेंदु जी यहाँ लघु और कुटीर उद्योगों की क्या करते हैं, बात करते हुए उनको बढ़ाने का समर्थन करते हैं। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फारसी सी, जर्मनी, अमेरिका को जाती। दिया सलाई जैसी तुच्छ कंपन होता है छोटी, दिया सलाई जैसी छोटी वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को देखो, तुम जिस मार्किंग की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लक लाट का तुम्हारा अंगा बने होता है गमछा वह इंग्लैंड का है, फारसी सी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बे की बत्ती तुम्हारे सामने बल बल का मतलब जय। यह तो वही मसल थी एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजय अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजय टोपी भी फलाने की है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मुझे ही मुझे। यहाँ पर भारतीयों की के आदर्श और उनकी अकर्मण्यता पर करारा व्यक्त किया है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तुएं भी नहीं बना सकते। हे भारतीय, तुम इतने निकम्मे और निठल्ले हो गए कि अपनी छोटी से छोटी काम की चीजों को भी तुम स्वयं निर्मित नहीं कर सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौको चौको मतलब जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। इस प्रकार पूछो, यह जो भारत वर्ष उन्नति पाठ है यही पर क्या होता है समाप्त होता है। भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह पाठ जो है यही पर समाप्त होता है। भारतेंदु जी ने यहाँ पर स्वदेशी का समर्थन भी किया है। बच्चों, परीक्षाओं में गद्य खंड के अंतर्गत पाठों से गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इस पाठ का एक गद्यांश जो है मैं आपको आज समझाऊंगी, जिसे आपको अपनी HWT कॉपी में बहुत अच्छे से करना है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर शीर्षक लिख रखा है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, कौन है लेखक इसके, भारतीय हरिश्चंद्र। तो बच्चों आप हेडिंग क्या करेंगे, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ऐसे ही पूछा जाए बच्चों गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यहाँ मैंने संकेत डाल रखा है, संकेत कौन सा है आप ग्रुप में ढूंढिएगा, हम नहीं समझते इनको लाज क्यों नहीं आती, ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक गाड़ी बल रहे हैं, मिला बच्चों, हम नहीं समझते से लेकर गाड़ी बन रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो गद्यांश हो गया, अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे। पहला प्रश्न क्या होगा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न क्या लिखा है मैंने, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया है। तीसरा प्रश्न मैं रिपीट कर रही हूँ, उन्हें सुने, भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया है।
फिर इसके बाद जो अगला यानी चौथा प्रश्न है, लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है? लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है? और पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है बच्चों, प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी किसकी खोज की? क्या है पांचवा प्रश्न? प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी किसकी खोज की? बच्चों ये पांच प्रश्न जो हैं वो गद्यांश पर आधारित आपसे पूछे जाते हैं और इनके निर्धारित अंक 10 होते हैं, यानी एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिखेंगे, इसके बाद सेपरेशन लाइन खींच लेंगे, सेपरेशन लाइन खींचने के बाद आप डालेंगे प्रश्नों के उत्तर। अब पहला प्रश्न उठाएंगे, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे, गद्यांश के पाठ का नाम ब्लैक पेन से लिखेंगे, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। फिर इसी में क्वेश्चन है लेखक का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे लेखक का नाम भारतीय हरिश्चंद्र है। पहला प्रश्न समझ में आया, पहले प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, लिखेंगे गद्यांश के पाठ का नाम भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, लेखक का नाम भारतीय हरिश्चंद्र है। इसके बाद बच्चों सेकेंड दूसरा प्रश्न दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश भी दिया रहता है। रेखांकित अंश जो है बुक में जो दिया है वो ये है, मैं बोल रही हूँ आप लोग अंडरलाइन करिए, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती, कि उस समय जबकि इनके पूर्वजों के पास कोई भी सामान नहीं था तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारे ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी। मिला बच्चों, ये रेखांकित अंश है, यानी अंडरलाइन आपको करना है, फिर आप दूसरे प्रश्न को इस तरह लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और जितना भी रेखांकित अंश है उसकी आप क्या करेंगे व्याख्या करेंगे। इसके बाद बच्चों तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर चौथे प्रश्न का उत्तर देंगे और फिर पांचवें प्रश्न का उत्तर देंगे। तीसरे प्रश्न का देखिए उत्तर इस प्रकार होगा, भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया है। बच्चों हमेशा जब भी उत्तर दिया जाता है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का तो प्रश्न से ही उत्तर को बनाया जाता है, तो आप प्रश्न से ही उत्तर बनाएंगे कैसे लिखेंगे, भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का कारण आलस्य और अकर्मण्यता को बताया है, उनके आलस्य और अकर्मण्यता को बताया है। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से सुने, भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का कारण उनकी अकर्मण्यता और आलस्य को बताया है। समझ में आया बच्चों? इसके बाद चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए, लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है, तो आप उत्तर प्रश्न से ही बनाएंगे, लिखेंगे लेखक को भारतीयों की इस बात पर आश्चर्य है कि जब उनके पूर्वज साधनहीन थे तब उन्होंने आश्चर्यजनक खोजे की। मिला उत्तर? इसके बाद जो चौथे पांचवें प्रश्न का उत्तर देखिए, प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी इसकी खोज की। इस प्रश्न का उत्तर भी आप प्रश्न से ही निकालेंगे कैसे लिखेंगे, प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी तारक ग्रह तारक मंडल और उनकी गति की क्या की खोज की। प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी तारामंडल और उनकी गति की खोज की या उनकी दूरी की खोज की। तो बच्चों आया समझ में, आप
आपको इसी तरीके से अपनी HW की कॉपी पर आज का ये जो मैंने कार्य कराया है उसको बहुत अच्छे से सुंदर लेख में करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Have a nice day.